नमस्कार। आज का मुद्दा नेपाल है। क्या नेपाल यू टर्न लेगा हिंदू राष्ट्र की तरफ? दरअसल 2007 से पहले जो नेपाल है वहाँ राजशाही थी और वो हिंदू राष्ट्र था, लेकिन आज की तारीख में वो डेमोक्रेटिक सेकुलर राष्ट्र है। लेकिन आज भी नेपाल के जो मेजोरिटी के लोग हैं, जो बहुतायत सिटीजन्स हैं, जो नेपालीज हैं, वो चाहते हैं कि नेपाल यू टर्न ले, अपने अतीत हिंदू राष्ट्र की तरफ जाए और इसका भविष्य हिंदू राष्ट्र ही है। दरअसल जो हिंदू है वही सेकुलर है, जो सेकुलर है वही हिंदू है, हिंदुइज्म जो है वो सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म जो है वही हिंदुइज्म है। तो फिर ये नेपाल को डेमोक्रेटिक राष्ट्र बनाने के साथ साथ उसके संविधान में सेकुलर शब्द क्यों ठूस दिया गया, जबकि नेपाल का जो इतिहास है उसमें इंटॉलरेंस तो कभी है ही नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम राइट नहीं, आज तक कभी हुआ नहीं। दरअसल मुझे लगता है कि ये जो सेकुलर शब्द से प्रेम करने वाले लोग हैं, जो हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति परंपरा व्यवस्था को जड़ से मिटा देना चाहते हैं, उसे नफरत करते हैं। क्या कोई माइकल लाल हिमाकत कर सकता है, हिम्मत कर सकता है किसी भी इस्लामिक स्टेट को सेकुलर बनाने का? अरे वो सेकुलर तो है ही नहीं, अल्लाह के सामने तो कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई परम्परा का अस्तित्व ही नहीं है उनके लिए, वो तो सेकुलर हो नहीं सकते। लेकिन जो हिंदू हैं, जो सेकुलर हैं, उन्हें जबरदस्ती सेकुलर शब्द से क्यों आहत किया जाता है? जब तक नेपाल के संविधान में सेकुलर शब्द नहीं था तब तक तो वहाँ कोई इंटॉलरेंस नहीं हुआ, कोई हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिक दंगे फसाद नहीं हुए, लेकिन इसकी संभावना सेकुलर शब्द के एंट्री के साथ ही हो चुकी है और भविष्य में हम कभी भी नेपाल में भी दंगे देख सकते हैं। नेपाल के सेकुलर स्टेट बनते जो परिवर्तन हो रहे हैं बहुत ही साफ दिखाई दे रहे हैं। रिमोट नेपाल में जो रूलर गांव हैं नेपाल के, वहाँ कन्वर्शन बहुत ही तेज़ी से होने लग गया है, क्रिश्चियन कन्वर्शन। नेपाल के सेकुलर स्टेट बनते ही जो चेंजेज हैं वो साफ दिखाई देने लगे हैं। नेपाल के गांव में क्रिश्चियन कन्वर्शन तेज़ी से होने लगा है। ये जो पोखरा है ना, वहाँ जाके देखिए आप, जो पिछले 10 सालों की आबादी को ज़रा ध्यान से देखिए, ये सेकुलर्स ने अपना गेम बजाना शुरू कर दिया है और पॉकेट्स में मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ती चली गई है। मैंने किताब पढ़ी थी, किताब का नाम था नेपाल स्ट्रगल्स विथ क्रिश्चियन कन्वर्जन। इसमें लिखा है कि 3 करोड़ 10 लाख की आबादी वाले देश में 4.2 लाख लोग क्रिश्चियन बना दिए गए। आज से 10 साल पहले नेपाल की आबादी 2.80 करोड़ थी, जिसमें 81% हिंदू थे, 9% बौद्ध थे, 4.3% मुस्लिम थे और 2% से भी कम ईसाई थे। अब इनमें कभी तो कोई दंगा फसाद सांप्रदायिक दंगे तो हुए नहीं। फिर नेपाल में माओइस्ट इंसर्जेंसी के कारण सिविल राइट क्यों हो गए भाई? 16,000 लोग क्यों मारे गए? जब व्यवस्था बदलनी थी, नेपाल की राजशाही खत्म करनी थी, वहां डेमोक्रेसी लाना था, लड़ाई उसकी थी, तो नेपाल को डेमोक्रेटिक राष्ट्र बनाते, राजशाही खत्म हुई हुई, उसमें सेकुलर शब्द क्यों ठूसा? हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति परंपरा व्यवस्था से गहरे नफरत करने वाले लोग ने नेपाल को सेकुलर राष्ट्र बनाया, वहाँ के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा। अब आप एक बात देखिए कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय, वो लक्ष्मी के अवतार मानी जाती है, पूजी जाती है। लोग जो रोटी खाते हैं ना उसका सोर्स गाय को मानते हैं, और वहीं दूसरी तरफ हार्डकोर सेकुलर्स हैं जो गाय के साथ रोटी खाते हैं। क्या वो गाय को ज़्यादा दिन तक राष्ट्रीय पशु में रहने देंगे? नेपाल का जो रॉयल आर्मी है, नेपालीज आर्मी, उसका जो सिंबल है, प्रतीक है, वो शिव का धनुष है जिसमें डमरू लगा हुआ है, तांडव का प्रतीक है। ये सेकुलर्स उससे क्या ज़्यादा दिन तक रहने देंगे?
नेपाली एम्ब्लेम जो है, नेपाल का जो राष्ट्रीय जो नेशनल एम्ब्लेम है, उसमें लिखा हुआ जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। ये जो डेमोक्रेटिक सेकुलर राष्ट्र जिन्होंने नेपाल को बनाया है, क्या वो इन्हें रहने देंगे? वही सेकुलर लोग जो भारत में हैं, उन्हें वंदे मातरम कहने से भी दर्द है। भारत को माँ मानते ही नहीं, भारत माँ को डाइन तक कह देते हैं। जनगण मन से भी उनको इतराज है। भाई वो सेकुलर हैं, उन्हें हर चीज़ से इतराज है। हर चीज़ जो हिंदू है, रीति है, रिवाज है, सभ्यता है, संस्कृति है, परंपरा है, हमारा आइडियोलॉजी है, हमारी विरासत है, उन सब से उनको नफरत है। वो उन्हें ही ख़त्म करना चाहते हैं। इसी तरह वो नेपाल के कैरेक्टर को, चरित्र को ख़त्म करना चाहते हैं। भाई व्यवस्था बदलनी चाहिए ना, अब व्यवस्था बदलिए। इतना बड़ा यूरोप है, आज भी महारानी है, वहाँ भी क्राउन प्रिंस हैं और डेमोक्रेसी भी है, तो आपने व्यवस्था बदलने के नाम पे नेपाल का चरित्र बदल दिया, नेपाल की पहचान बदलने पे लगे हुए हैं, और इसको नेपाली लोगों को, नेपाली नागरिकों को इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि नेपाल में दो बहुत ही खास त्यौहार हैं, भोटो जत्रा और इंद्र जत्रा। वो जब से वहाँ नेपाल में ये डेमोक्रेटिक सेकुलर राष्ट्र बना है, तब से राष्ट्रपति इन दोनों त्यौहारों में हिस्सा लेते रहे हैं। अब जब वहाँ सेकुलर सब को ठूस दिया गया है, नेपाल का कभी कोई राष्ट्रपति मुसलमान होगा तो क्या ये इन जत्राओं में वो भाग लेंगे? क्योंकि इस्लाम तो किसी और धर्म को मानता नहीं, किसी और धर्म की तरजीह नहीं देता, उसके लिए तो सब कुछ जो है इस्लाम ही है। और आपने सेकुलर शब्द क्या सोच के रखा है, जबकि वो हिंदुइज्म जो है उससे बड़ा सेकुलरिज्म कहीं है नहीं। ये सेकुलर शब्द कितना पागल की तरह उनके अंदर घुसा पड़ा है। जो ये प्रचंड जो हैं पुष्प कमल दाहाल, जो पहली बार जब प्रधानमंत्री बने नेपाल के, तो उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर की जो पुजारियों की परंपरा है उस पर ही कुठाराघात करना शुरू कर दिया। कहा भैया ये नहीं चलने वाला, ये क्या इनकी पपौती है, ये तो सेकुलर राष्ट्र है, क्या इसके पुजारी दर पुजारी वंशानुगत होते रहेंगे? भैया ये तो पूरे नेपाल की जनता उलट पड़ी विरोध में, और ये प्रचंड साहब का घमंड जो है पीछे हुआ, चूर हुआ। और ये जो आर के शर्मा ओली हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के हैं। वहाँ तीन चार पार्टियाँ हैं, जो मैं आपको बता दूं कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है, नेपाली कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी ऑफ नेपाल है, राष्ट्रीय जनता पार्टी ऑफ नेपाल है। तो इसमें जो क्या कहते हैं कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पी शर्मा ओली हैं, जिन्होंने ये दाहाल प्रचंड साहब के समर्थन से प्रधानमंत्री बने, और आजकल इन्हीं दोनों में खैर रस्ता खींची हो रही है, है ना। लेकिन ये जो प्रचंड साहब हैं वो भी, और ये जो ओली साहब हैं वो, इनका इंक्लाइनेशन तो बहुत ज़्यादा चाइना की तरफ है। अब वो चाइना की एक विश्वकन्या जो है डिप्लोमेट होकर के नेपाल में आई है। अब वो ओली साहब को भी अपना जहर पिलाया है, नेपाल के सभी जो प्रभावी लोग हैं उनको अपना थोड़ा थोड़ा जहर पिला रही है, और बदले में वो लोग क्या कर रहे हैं कि अभी जो दिखने में आया है नेपाल में भारतीय मीडिया को बैन कर दिया है। अरे भैया ये भारत के भारतीय मीडिया को आपने बैन नहीं किया है, आपने नेपाली नागरिकों के हितों को बैन किया है, नेपाली नागरिकों का जो अधिकार है उसको ख़त्म किया है, उनको आप गुलाम बनाने की प्रक्रिया में ला रहे हैं, उनको आप अपने काबू में ला, जो चाइना में होता है वो आप नेपाल में होगा। नेपाल के नागरिकों की स्वतंत्रता छीनी जा रही, सीधी तौर से बात है, लोगों को समझनी चाहिए, नेपाली लोगों को विरोध होना चाहिए। जो भी जागरूक नेपाली नागरिक हैं उन्हें बात का अंदाज़ा होगा, इस बात की खबर होगी कि जब माओइस्ट इंसर्जेंसी के कारण नेपाल में सिविल राइट शुरू हो गया था, 16,000 लोग मारे गए, तो चीन ने हथियार दिए थे नेपाल सरकार को इन माओइस्ट आतंकवादियों से निपटने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि यही चीनी सरकार है जो आज की तारीख में नक्सलियों को हथियार देते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं, और माओइस्ट जो लोग हैं वो नेपाल सरकार का हिस्सा बन गए हैं। अरे प्रचंड तो वहाँ के प्रधानमंत्री तक बन गए थे, और आज भी विरोध में हैं और आज भी खींचातानी कर रहे हैं। हम सिर्फ कुछ रास्ता दिखाना चाह रहे हैं कि नेपाल के साथ साजिश क्या हुई, है ना। ये कौन उनका अपना है, ये 2008 में महाराजा ज्ञानेंद्र को किनारे कर दिया गया और डेमोक्रेटिक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ लगा दिया गया नेपाल में,
नेपाल डेमोक्रेटिक सेकुलर राष्ट्र हो गया। लेकिन जरा पीछे चलिए, 1 जून 2001 को जो क्राउन प्रिंस दीपेंद्र रात को दारू पी के आए महाराजा वीरेंद्र महारानी ऐश्वर्या के साथ और 8 लोगों का कत्लेआम कर दिया, खुद को सुसाइड किया। नेपाल में महाराजा कुतेश्वर का दर्जा है, तो वो जबकि 3 दिन तक दीपेंद्र हॉस्पिटल में थे, अनकंसस थे, उस बीच में उनको नेपाल का महाराजा भी घोषित कर दिया गया, लेकिन वो बचे नहीं। एक आर्टिकल पढ़ा था कि CIA मैसेकेयर्स रॉयल फैमिलीज एंड आफ्टर 1 मंथ नेपाल डिक्लेयर्ड एज ए सेकुलर स्टेट और USA ने $100 मिलियन की सहायता राशि दी थी। भाई नेपाल के प्रबुद्ध लोगों, जागरूक लोगों, नेपाल सेकुलर राष्ट्र कैसे बना, इन सब चीज़ों से आप लोगों को अंदाजा नहीं हो रहा है कि नेपाल किस तरह साजिश का शिकार हुआ। और आज की तारीख में भी जो वहाँ के ओली जी हैं उनका इंक्लाइनेशन पूरा का पूरा चाइना की तरफ है, जो कि कम्युनिस्ट नेशन ही है, जहाँ की एक खबर आप तक नहीं आती है। वहाँ का मीडिया इतना मैनेज्ड है, इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा देश, आप तो छोटे से हैं, आपको गुड्डी बनाते हुए कितना समय लगेगा इन माओइस्टों को, इन कम्युनिस्टों को जो चीनी प्रभाव में हैं। देखिए, सत्ता बदलनी है तो बदलिए, व्यवस्था बदलनी है बदलिए, कैरेक्टर चरित्र मत बदलिए अपना, अपने राष्ट्र का, जो हिंदू राष्ट्र का चरित्र रहा है नेपाल का, अगर उसे बदलेंगे तो स्वाहा हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, शर्मनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। नेपाल विश्व के नक्शे पे रहेगा, लेकिन इसका अस्तित्व जो 10,000 सालों से रहा है वो कहीं नहीं दिखेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चरित्र को बरकरार रखिए, अपने राष्ट्र के चरित्र को बरकरार रखिए, बस यही आग्रह है। तो हमारे साथ बोलिए, जय नेपाल, जय हिंद।